गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम बनाएंगे रिपब्लिक डे के लिए बैच। तो मैंने 8-8 सर्कल ले लिए हैं, ठीक है, मतलब एक ही बार एक ही 8, ठीक है, दो नहीं, 16 नहीं है वो, ठीक है। तो फिर 2 सर्कल सैफरन, 2 ग्रीन, ठीक है, और ये गिरे जा रहा था पेन, ठीक है। अब हम इसको पहले हाफ़ फोल्ड करेंगे, हाफ़ फोल्ड करने के बाद एक बार और हाफ़ फोल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे ही। और इसका सेंटर लेना है हमें, क्योंकि इसके बाद हमें एक जो नीचे वाला पार्ट है सर्कल का, उसको उस सेंटर पार्ट की तरफ फोल्ड करना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। फिर हमें पेटल्स बनाना है। पेटल्स के लिए हम पहला पार्ट जो है सर्कल का, उसको फोल्ड करके वैसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा उसको शार्पनेस रखते हुए पेटल्स की तरह हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और ये हो गया, अब ऐसे ही सबको करना है, ठीक है। तो तुरंत तुरंत मैंने कर दिया, ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था मैंने, तो मैंने 8 के 8 कर लिए हैं, ठीक है। अब इन सबको आपस में स्टिक करना है, और ये स्टिक करने के लिए बिल्कुल सर्कल जैसे एक फ्लावर होता है, बिल्कुल वैसे ही मोशन में करना है। और चलो सबको हम स्टिक कर देंगे, और इसको मैं फिर थोड़ी देर बाद फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी, क्योंकि इतना बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है, ये 8 पीस था। मैंने 8 पीस लगाने के बाद मुझे लगा कि 2 और नीड है शायद, तो फिर मैंने इसको लगाने के बाद मेरे को थोड़ा डाउट था कि मुझे लगाना चाहिए या नहीं। फिर मेरे को वैसे सुंदर लग रहा था, मुझे लगा थोड़ा भरा भरा अच्छा लगेगा, तो मैंने पहले लिया ही पेपर जो जितने साइज़ का मैंने पहले काटा था, और 2 सर्कल मैंने कट कर लिया। अब देखते हैं क्या होगा। मैंने दोनों कट कर लिए, दोनों को मैं जैसे पहले किया था वैसे ही फोल्ड करके चिपकाया, और एक्चुअल में दोनों की ज़रूरत पड़ी, और देखो कितना प्यारा फ्लावर बना हुआ है, ठीक है। अब हम इसके सेंटर जो है थोड़ा अजीब लग रहा है, अब इसके हम एक सर्कल लगाएंगे, तो जो सर्कल है वो अशोक चक्र वाले का काम करेगा, ठीक है। और हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे हल्का सा प्रेस करके। अब हम इसके बाद इसके लिए रिबन बनाएंगे, ठीक है। तो एक पेपर लूँगी मैं अभी, और इसको हाफ़ फोल्ड कर दिया मैंने, और फिर इस हाफ़ फोल्ड वाले पेपर को जो मैं कट करूँगी, और कट करके फिर हाफ़ फोल्ड करना है, क्योंकि वो 2 पतले रिबन्स होते हैं जैसे बैजेस वगैरह में, तो वैसे ही करना है, ठीक है। अब इनको हाफ़ फोल्ड करके अच्छे से, ठीक है, इक्वल साइज़ में। अब नीचे जैसे रिबन का 2 एंड होता है, वैसे ही मैंने इसको कट करा है, ठीक है। और ये हो गया कट, ठीक है, ये ट्रायंगल हटा के अब ये रिबन की तरह हो गया है। अब मैंने स्केल से इसको थोड़ा वो कर दिया, ताकि प्लेन कर दिया इसके एजेस को, ताकि कट करने में इजी हो मुझे। अब इसको कट कर लेंगे हम, ठीक है, अच्छे से हाथ बजाते हुए, ठीक है। और ये हो गया। अब इन दोनों रिबन को पहले फेविकॉल लगा के आपस में स्टिक करना है, ठीक है, और फिर हम इसे फ्लावर में स्टिक करेंगे। पेशेंस के साथ काम करना है, वो बहुत ही सुंदर बनेगा और अच्छा बनेगा। मैंने कलर शीट नहीं ली, क्योंकि मुझे थोड़ा कलर करना अच्छा लगता है ना उसको, इसलिए। आप पीछे इसके सेप्टे पेन ऐसे यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अब ये बन गया पूरा, अब इस पर हम अपना कलर करना शुरू कर देंगे। मैंने इसको ही फास्ट फॉरवर्ड करा, पहले मैंने 2 पेटल सोचे थे, फिर बाद में मेरे को लगा 3 सही लगेगा। मैंने रिबन्स को भी ट्राई कलर करा है, ऑरेंज और ग्रीन, ठीक है। और ये रेडी हो गया, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये मेरे पास सब्ट पिन नहीं था, वरना मैं आपको लगा के ज़रूर दिखाती। आप कोई भी पेन लगा के इसको अपने कपड़े से अटैच कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पीछे यहाँ लगा के। बाकी कितना प्रिटी लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा।